माता के सामने यही बहुत ही हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया, प्रार्थना की है, उनके श्री चरणों में नमन किया है और यही कहा है कि हम लोग को शक्ति दें, कि शक्ति दें कि जो उनका मूल स्थान है वहाँ पे हम उनको स्थापित कर सकें, वहाँ पे दर्शन हो सके, साथ ही साथ जो हमें बाबा मिले 16 मई को उनके दर्शन पूजन हम कर सकें, इस पूरे परिसर का ASI सर्वे हो सके और इस केस में हम निर्णायक दौर पे पहुँचे और ये केस जीते और जो हमारे बाबा का मेन स्थान था जहाँ पे वो स्थापित थे उनको वहाँ पे स्थापित कर सकें। हर हर चौखट पे है, ये अभी चौखट पे हमने दर्शन किए हैं, माँ का जो मेन स्वरूप विराजमान था वहाँ पे इस समय बैरिकेडिंग लगी हुई है, वो अंदर है जहाँ पे इस समय आर्टिफिशियल वॉल्स हैं, तो हम वही माँ से हमने कामना की है कि माँ का जो मूल स्थान है वहाँ पे उनको हम स्थापित कर सकें और आज तो हम लोगों ने माँ के चौखट के दर्शन किए हैं और यही कामना की है कि ये दर्शन रोज़ हों, साल में एक बार ना हो, रोज़ हों, ताकि हर सनातनी को ये विश्वास हो सके कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है और औरंगजेब ने हमारे मंदिर को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया था। एक दूसरे के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए पहली बात है मैं एक वकील हूँ और मैं यहाँ पे सारे लीगल प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जहाँ तक केस का सवाल है, सारे लोगों ने अपना केस कोर्ट में डाला है और जो आप दो फाड़ की बात कर रहे हैं ये आपका आउटलुक हो सकता है, मेरे हिसाब से सब लोग एक जुट हैं। माँ श्रृंगार गौरी का आज चतुर्थी, नवरात्र की चतुर्थी है, आज के दिन दर्शन पूजन होता है माँ श्रृंगार गौरी का और हम लोग सभी ने मिल के मतलब दर्शन पूजन किया है। हम लोग ने माँ से कामना की है कि जैसे बाबा मिल गए हैं वहाँ पे, मतलब ज्ञान वापी मंदिर में से नमाज होता है, वैसे हम लोग को भी दर्शन पूजन का अधिकार मिले। आप लोग बदलाव तो भी थोड़ा बहुत हुआ है, अभी हम लोग चाह रहे हैं कि प्रतिदिन दर्शन हो और वो भी हमारे ज्ञानवापी मंदिर के अंदर हो। अभी तो हम लोग चौखट पे पूजा कर रहे हैं, हमारी मांग है कि हमको मंदिर के अंदर दर्शन पूजन का अधिकार मिले। आज हम लोग का बहुत सौभाग्य का दिन था, आज इसी श्रृंगार गौरी श्रृंगार गौरी के नाम पर हम लोग पटिशनर थे और आज हम लोग को बहुत खुशी हुई है, लेकिन आज हम लोग चौखट का दर्शन किए, हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे और बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे हम लोग।